सो अभी आप इन डेटाज को देखिए, यहाँ पे जो डेटा मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ ये डेटा है FIIs एंड DIIs की बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी के, ठीक है, FIIs DIIs की बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी का है। यहाँ पे जो रेड है ये क्या बता रहा है, रेड शो कर रहा है यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन क्या शो कर रहा है, ग्रीन यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे ये लोग बाई कर रहे हैं। अब ये लोग जैसे ही बाई करेंगे तो इंडियन मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाएगा, और जैसे ही ये लोग सेल करेंगे तो इंडियन मार्केट बहुत ही तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो ये लोग कौन होते हैं, ये लोग बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। इंडियन मार्केट का 90% से ज़्यादा मूवमेंट जो होता है वो यही लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ह्यूज ऑर्डर्स लगाते हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, और इनके बीच में ही आकर जो रिटेलर बिगिनर होता है वो अपना मनी लूज़ करता रहता है। 90% से ज़्यादा अपनी मनी जो लूज़ करता है वो इन्हीं के कारण करता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे एक और नई लर्निंग वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो भी ये FIIs DIIs मार्केट में अपनी पोजीशन बनाते हैं या फिर एग्जिट करते हैं तो इनको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, और इनको ट्रैक करके हम लोग कैसे ट्रेड बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिए, हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये नॉलेज मिले और वो भी जो है कुछ सीखे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ कि ये हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन हो तो इसके अंदर में ज्वाइन हो सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। इसके अंदर में डेली का फ्री अपडेट मिल जाता है, साथ में जो भी लाइव मार्केट का एनालिसिस होता है वो भी मैं करके ट्रेडर्स के साथ में शेयर कर देता हूँ, जिससे हमारे ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर में मार्केट का गाइडेंस वगैरह आ जाता है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। एक बात याद रहे कि जो लिंक आपको नीचे दिख रहा है आप उसी लिंक से ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे पिक्सटोस के नाम पे चैनल बने हुए हैं तो आप जो है रियल वाला यहां पे लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, मार्केट के अंदर में दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं रिटेलर ट्रेडर और एक होता है ऑपरेटर, ठीक है। रिटेलर ट्रेडर या फिर बिगनर ट्रेडर बोल सकते हैं, ये क्या होते हैं, आप और हम इसमें आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल जैसे ट्रेड करते हैं आप और मैं, तो वो क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर में। जैसे उनके पास में अगर कैपिटल की बात करूँ तो ये 1,000 रुपये से ये 10 करोड़ तक ये अपने ट्रेड करते हैं। लेकिन जो ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आता है FIIs आ गया आपका, ठीक है, FIIs आ गया, जो फॉरेन के लोग होते हैं, ठीक है, जो बाहर के लोग होते हैं वो इंडियन मार्केट में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या कि डोमेस्टिक हो गए, ठीक है, जिसको हम लोग DIIs बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे बैंक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, यानी कि इनके साथ में ये क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है। अब इनका फ़ायदा ये होगा कि जब ये लोग ग्रुप में काम करेंगे, देखिए आप और मैं जो होता है वो क्या करते हैं, सिंगल काम करते हैं, ठीक है। कोई भी जो रिटेलर ट्रेडर होता है वो एक साथ में काम नहीं करता, ठीक है। आप और मैं, आप किसी को नहीं जानते हो, ठीक है, ये सब अलग अलग काम करते हैं मार्केट में, लेकिन ये क्या करते हैं, ये इनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये ह्यूज नंबर्स में ऑर्डर लगता है, ठीक है। जैसे किसी भी स्टॉक का अगर प्राइस है 10 रुपये, तो ये क्या करेंगे, उस प्राइस को 100 रुपये ले जाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा बाइंग पंच ऑर्डर होंगे तो वो क्या होगा, उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, और बढ़ के 100 रुपये पहुँच जाएगा। अब जैसे ही 100 रुपये पहुँचेगा तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 80 पहुँचा हुआ, 70 पहुँचा हुआ, तो लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, कौन लोग, रिटेलर और बिगनर ने, ठीक है। और जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से जल्दी से एग्जिट कर देंगे और बाकी लोगों को भी यहाँ से नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का जो मतलब है वो यही है कि रिटेलर ट्रेडर जो होता है वो हमेशा नुकसान में रहता है, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट से पैसा बना लेते हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी ये अपना पैसा बनाते हैं, और बाकी जो रिटेलर और बिगनर ट्रेडर होते हैं वो 90% केस में क्या करते हैं, अपना मनी को लूज़ ही करता है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उनको, उनके जो डेटा होते हैं प्रॉपर, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों होता क्या है कि जो रिटेलर ट्रेडर होता है, बिगनर ट्रेडर होता है, वो मार्केट में सब कुछ सीखता है, ठीक है, सब कुछ सीखता है, वो जितना हो सकता है वो अपनी फुल ट्राई करता है, ठीक है, फुल कोर्स बाय करता है या फिर कुछ भी बाय करता है, ठीक है, वो सीखता है, पैटर्न सीखता है, कैंडल सीखता है, सब कुछ सीखता है, लेकिन मार्केट के अंदर में उसको कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिलती है जिसकी वजह से वो क्या कर सके, अपना कोई एक प्लान बना सके जिससे वो एक ट्रेड ले सके, ठीक है। अगर ले भी लेता है तो वो देखता है कि कई बार उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो मार्केट के अंदर में हिट करा दिया जाता है, ठीक है।
ये जो सारा खेल होता है ना, ये सारा का सारा ऑपरेटर से ही करते हैं। मार्केट के अंदर में वो क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से रिटेलर और बिगनर ट्रेडर फंसते हैं। अब आपने ये सीखा है कि ये कोई ट्रेंड लाइन है, जैसे ही मार्केट ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो आप इसमें एंट्री लोगे, ठीक है। और एक यहाँ पे पॉइंट आपने बना रखा है कि ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है, या जैसे भी लेते हो रिटेस्ट पे लेते हो, तो अब आपने ये बना रखा है, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, रिटेस्ट भी होगा, लेकिन मार्केट जो है इसमें सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे की तरफ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिचुएशंस होती है मार्केट के अंदर में, कई बार आप देखते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आता है, तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाता है, ठीक है, फिर से ऊपर जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि ये नीचे आता है। तो अब सबको यहाँ पे लगेगा कि पिछली बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, तो अब ये यहाँ से रिजेक्ट होगा, तो सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पैसा यहाँ पे डालेंगे, रिटेलर और बिगनर यहाँ पे क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे। अब यहाँ पे बैठे हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, उनको पता है कि यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, पैसा डालने वाले हैं। जैसे ये लोग पैसा डालेंगे रिटेलर और बिगनर, तो मार्केट के अंदर में ये लोग क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ में लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये तो मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, ये जैसे ऊपर जाता है वैसे नीचे भी चला जाता है, ठीक है, कुछ केस में ये क्या करता है, नीचे भी चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या करते रहते हैं, मार्केट में ट्रेप क्रिएट करते हैं और उसमें ये रिटेलर बिगिनर फंसते रहते हैं। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका जिससे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकें, देख सकें चीज़ों को और समझ सकें कि क्या सच में ये जो ये ऑपरेटर्स होते हैं कब कहाँ पर अपनी पोजिशन बना रहे हैं और इनका क्या जो इम्पेक्ट होता है ये मार्केट पर पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे आपको गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको FIIs एंड DIIs की जो डेटा है उनको सर्च करना है, ठीक है। क्या करना है, FIIs DIIs लिख देना है, सिंपली यहाँ पे दो तीन वेबसाइट्स ओपन होगी, NSE की वेबसाइट हो जाएगी, ठीक है, मनी कंट्रोल हो गई, और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टोकेज की वेबसाइट आपको दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कुछ आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है, ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे रेड का जो मतलब है ये, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग हो रही है, और यहाँ पे जो ग्रीन दिखा रहा है इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है। अब आप देखो यहाँ पे, देखो करोड्स में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, करोड्स में ये क्या है, परचेजिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये इन्होंने इतना बाई किया, ठीक है, इतना सेल किया, ये सारा डेटा जो है ये आपको दिख जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे फ्यूचर का भी दिखेगा, ऑप्शन का भी दिखेगा, और सारा कुछ जो जितना भी होगा ऑप्शन का, फ्यूचर का, या फिर के सेगमेंट का, जितना भी होगा यहाँ पे सबका डेटा जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो डेटा है ये जैसे मान के चलते हैं 21 का है, तो अब जो अगला दिन आएगा यानी जब मार्केट खुलेगा तो इसका इम्पैक्ट जो है अगले दिन पड़ता है, ठीक है। इससे होगा क्या, इंडियन मार्केट के ऊपर में जब ये लोग ज़्यादा बाई करेंगे, ठीक है, जिस दिन ज़्यादा बाइंग होगी तो उस दिन क्या होगा, मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, ठीक है। जिस दिन ये लोग ज़्यादा बाई करेंगे उस दिन क्या होगा, ऊपर जाएगा। जिस दिन भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सेलिंग करेंगे ये लोग, क्या करेंगे, सेल करेंगे, एग्जिट करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ये रेड शो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेड वाला शो होगा तो आपको समझ आना है कि मार्केट का जो व्यू है ये कैसा बन चुका है, नीचे की तरफ में बन चुका है। जैसा कि इस दिन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई, ठीक है। अब किस में हुई है, ऑप्शन वाले में हुई, ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन में, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे तरीका होता है इससे आप क्या कर सकते हो, FIIs एंड DIIs की एक्टिविटी को जान सकते हो, ठीक है। FIIs DIIs अपनी पोजिशन जब बनाते हैं तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पोजिशन बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कैसा क्या कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बस सिंपली आपको ये जो वेबसाइट है बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्ज आपको नहीं देना, ठीक है। स्टोकेज की वेबसाइट है, आप चाहो तो मनी कंट्रोल के ऊपर भी देख सकते हो, या फिर जो NSE की वेबसाइट है वहां पे भी आपको देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है इनको देख सकते हो, इनको ट्रैक कर सकते हो, और क्या कंडीशन मार्केट की रहने वाली है वो आप यहां पे सिंपली पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इस दिन आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, ऑप्शन के अंदर में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है, ठीक है, 4000 का यहाँ पे कितना है, बाइंग हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये आप देखो, तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे ये पता चलेगा कि मार्केट का सिचुएशन कैसा बन रहा है। आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट अगला, अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आपको सारे कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इनको पता लगा सकते हो, ठीक है। बाकी किसी नए वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मार्केट के अंदर में बहुत सारी स्ट्रेटजी है, ठीक है, ऐसे तो, लेकिन आप इसको भी देखिए एक बार और फिर आप जो है मार्केट में ट्राई कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी किसी नई वीडियो में रखते हैं।